Hi guys, welcome back to my channel. और आज मैं एक modification shop पे हूँ. हमारे यहाँ पे local में ही बना है. तो यहाँ पे maximum सब Enfield का parts मिलता है modification के लिए. हर type का rim, leg guards, exhausts, everything. मतलब LED से शुरू करके सब कुछ local. मतलब बारासात का यहाँ पे. ये situated है मोयना पे. मोयना एनी 34 मोचक ढाबा के ठीक बाजू में. तो मैं आपको एड्रेस लास्ट में दे दूंगा. तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को. तो चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे. शोरूम का नाम है हाई अकार्ट. ये ठीक केपीएस स्कूल के ठीक ऑपोजिट में है. और ये तो रहा मेरा बाइक. और इस साइड पे मोचक ढाबा है. ये वो मोचक ढाबा है बाजू में. तो चलिए चलते हैं शॉप पे. मॉडिफिकेशन शॉप हाईवे कार्ट. तो ये रहा शॉप. तो इस साइड पे स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से लेग गार्ड. यहाँ पे आपको ओमेसा ही मिलेगा. और अगर आप और चाहेंगे तो कंपनी का जो ओरिजिनल आता है रॉयल एनफील्ड का वो भी आपको मिलेगा. तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भाई हमारा जो BS4 500cc है थंडरबर्ड हो थंडरबर्ड 100 या क्लासिक बुलेट 500 तो उनमें साइलेंसर में ऑक्सीजन सेंसर दिया हुआ है राइट साइड पे ठीक साइलेंसर के बेंड के पास. तो उसके लिए एक लेग गार्ड थोड़ा डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे आपको ओमेस का लेग गार्ड मिलेगा और यहाँ पे लिखा हुआ है 500cc. तो ये सिर्फ 500cc के लिए है ताकि आपको वो सेंसर का कोई हार्म ना हो इजीली फिट हो. और ये एक डिजाइन का लेग गार्ड है. ये इसको बटरफ्लाई कहते हैं शायद. ये एक डिजाइन का लेग गार्ड है. यहाँ पे भी लिखा है 500cc. तो यहाँ सब लेग गार्ड है मिलेगा आपको. यहाँ पे बहुत रिजनेबल प्राइस है. कोई हाई प्राइस नहीं है ज्यादा. आपको 1100-1200 में आपको प्राइस मिल जाएगा. फिर आते हैं यहाँ पे. यहाँ पे वो आपका जो लगाते हैं लोग पीछे क्लासिक में लगाते हैं मैक्सिमम मैंने देखा है ठीक लाइट के ऊपर बैकलाइट के ऊपर लगाते हैं वो जो. और यहाँ पे है सब लाइट LED लाइट्स LED इंडिकेटर्स. और वहाँ पे आपको वो हेडलाइट मिलता है नया वाला जो कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है. या कोई मतलब अफवाह है कि यहाँ मतलब कहीं पे 25 वाट कहीं पे 55 वाट कहीं 75 वाट. तो उतना मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं इस मतलब ऐसा टाइप के बिजनेस में नहीं हूँ. जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस शॉप में ऐसे वैराइटीज के चीज़ आपको मिलेंगे. और फिर यहाँ पे नीचे आपको मिलेंगे LED लाइट्स. यहाँ पे येलो लाइट्स मिलेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ LED लाइट्स मतलब 12 बल्ब्स 6 बल्ब्स सब मिलेंगे. फिर यहाँ पे आपको मिलेंगे हेडलाइट ग्रिल्स अलॉन्ग विथ बैक लाइट एंड एज वेल एज इंडिकेटर ग्रिल्स. साइड मिरर्स आपको मिलेंगे. तो यहाँ पे आपको साइड मिरर्स मिलेंगे डिफरेंट शेप्स में. मोबाइल कवर मिलेंगे और ये LED इंडिकेटर्स भी मिलेंगे जिसमें आप एरो शेप में इंडिकेटर जब ऑन करेंगे तो एरो शेप में लाइट्स आएंगे. फिर आते हैं यहाँ पे सब लगाते हैं फ्रंट मड गार्ड्स पे लगाते हैं ना शेर लायन जिसका जो पसंद है. और यहाँ पे आपको लीवर्स भी मिलेंगे इसको ब्रास फिटिंग्स में अंदर पड़ता ही है. और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ की रिंग्स KTM एनफील्ड बजाज यामाहा अपाचे TVS मतलब सारे टाइप्स के आपको की रिंग्स भी मिलेंगे. ये सब 100 से 200 रुपए के अंदर ही आपको सब मिल जाएंगे. और यहाँ पे रिस्ट बैंड भी है. और फिर आते हैं नीचे. यहाँ पे आपको मिलेंगे सिंगल बार लेग नहीं सॉरी ये लेग गार्ड्स नहीं है. लाइट के नीचे लगाते हैं जो रॉड लगाते हैं वो रॉड है. और फिर यहाँ पे SG बजट का एग्जॉस्ट बट ये ओरिजिनल नहीं है ये डुप्लीकेट कॉपी है. फिर आपको यहाँ पे मिलता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडल बार्स. सब कॉस्टिंग के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा. मैं शॉप का डिटेल्स नेम्स नंबर सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एज वेल एज वीडियो के एंड में दे दूंगा. अगर आप लोकल यहाँ पे कोलकाता बारसात से हो तो ऑब्वियसली आप इस प्लेस को विजिट कर सकते हो. आपको R350 स्टाइल में हैंडल बार मिलेगा जो होता है बाहुबली सब कुछ मिलेगा यहाँ पे. नेक्स्ट यहाँ पे सब ट्यूबलेस टायर्स है. यहाँ पे ये 130 हो सकता है. ये रेलगो के टायर्स है. और साइड में यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट मिलेगा. और मैं आपको बता दूँ कि एक्सेप्ट कंपनी
कंपनी के अलावा हर एग्जॉस्ट इलीगल है, कोई भी एग्जॉस्ट रोड लीगल नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो साइलेंसर, आज साउंड सुनने का पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो टेक्नीशियन है वो अभी तक इस टाइम में काम में बिजी है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको डॉल्फिन, वाइल्ड बोर, आरआरपी सब कुछ मिल जाएगा और यहाँ पे आपको सिंगल रॉड का लेग गार्ड भी मिल जाएगा। सबका कॉस्टिंग मैक्सिमम 2400 से 3000 के अंदर ही है, कोई ज़्यादा नहीं है या यहाँ तक कि उससे भी कम भी हो सकता है। तो ये सब ग्लास वूल के एग्जॉस्ट है, यहाँ पे इसमें सब ग्लास वूल दिया हुआ है, ये कोई मतलब फ्री फ्लो एग्जॉस्ट नहीं है। हाँ, इसमें आप आर पार देख सकते हो बट इसमें ग्लास वूल दिया हुआ है। ये हुआ साइलेंसर का पार्ट, लेग गार्ड सब कुछ। और इस साइड आते हैं हेलमेट्स के पास, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट्स, LS2 और फिर जितने भी वो है ना बना वेगा सब कुछ, सबका सब ब्रांड का डिफरेंट टाइप्स का हेलमेट आपको मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पे ना भी हुआ तो डिस्प्ले में आपको यहाँ इनके पास कैटलॉग है, मतलब जो होता है ना जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, मॉडल का प्राइस, कलर स्कीम्स जो है, जो बुक होता है मैनुअल बुक या कैटलॉग ही बोलते हैं मेनली, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप उसको चूज करके अपना टाइप अपने पसंद का हेलमेट आप ले सकते हो। तो ये रहा हेलमेट और यहाँ पे आपको साइलेंसर भी है, यहाँ पे मोटोटॉर्क नहीं, ये शार्क है मोटोटॉर्क का, ये मोटोटॉर्क का बीट। और यहाँ पे साइलेंसर में लॉन्चर है, यहाँ पे डब्ल्यू भी है और इस साइड पे आपको मिलेगा आरआरपी एग्जॉस्ट, तो यहाँ पे अवेलेबल है। साइलेंसर का पार्ट और फिर हमारा, तो यहाँ पे हमारा सब नी गार्ड्स, ग्लव्स, इंटरकॉम और आपको यहाँ पे जो होता है ना बालाक्लावा जो भी बोलते हैं सब मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आईने पे लगाते हैं जो मिरर्स वो भी है और मैनुअल एबीएस जो किसी काम का नहीं है, बेकार है, फिर भी यहाँ पे है। ये सब होता है यहाँ पे बाय, मतलब कॉमन सभी दुकान में ऐसा चीज मिलता है। बट जो मेरा जो फेवरेट पार्ट है, मोस्ट फेवरेट पार्ट है इस सेक्शन, ये जो ऑयल का सेक्शन है, चेन लूप का सब कुछ है, मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ अभी। तो फर्स्ट मैं इसको लाता हूँ, ये बहुत अभी बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग में है कि आप एलॉयज में ट्यूब वाले टायर्स डाल के भी इस जेल को डालेंगे तो आपका टायर ट्यूबलेस हो जाएगा। ये लगभग 1500 नहीं, हाँ 1700, यहाँ पे 1700 है, 1700 का आएगा। टेस्टेड है ARAI, TVS, मतलब अच्छे अच्छे ब्रांड से टेस्टेड हुए हैं, मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा है, नो डाउट काम का है। फिर आपको यहाँ पे जेन्युइन ऑयल मिलता है, एकदम थर्ड क्लास ग्रेड का लिक्विड गन, सबसे घटिया ऑयल लिक्विड गन, इसका कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये ऑयल हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान पेट्रोलियम। और इसका प्राइस है कितना, 840 रुपये ढाई लीटर। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता पर्सनली, पर्सनल यूज़ के मतलब मैंने देखा यूज़ करके दोनों तीनों बाइक्स में सबसे घटिया ऑयल ये वाला है, बट सबसे बेस्ट लोग मानते हैं, मुझे इस बार सब्सक्राइबरों ने कमेंट भी किया है, वो है ये वाला 5100। तो ये 90% लोग यही यूज करते हैं अपने बाइक में, यूसी इंजन में। और तो फिर आपको यहाँ पे मिलेगा चेन लूप, चेन क्लीन, ये मोटुल का है और ये कंपनी का है छोटा जार, और ये वुर्थ का है, मैंने खरीदा है इसको, यूज कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। 650 rupees का लिया है, क्लीनर भी है, लूप भी है, सिंग एक का 450 रुपये, दोनों का नहीं, मिस्टेक मत कीजिए समझने में, दोनों का अलग अलग 1300 रुपये दोनों का। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिश मिलेगा आपको और ये सब, ये इंटरकॉम भी है यहाँ। तो मैंने जो इस बार बोला था कि मैं ऊस्ट का ऑयल यूज कर सकता हूँ फुल्ली सिंथेटिक, वो ये है।
मैं बोला था इस बार मैं मूर्त का ऑयल डालूंगा फुल्ली सिंथेटिक ऑयल, तो ये रहा ऑयल फुल्ली सिंथेटिक मूर्त। देखिए डेट दे दीजिए 15W50 सिंथेटिक टेक्नोलॉजी है, फुल्ली सिंथेटिक ऑयल है। मूर्त कोई इंडियन कंपनी नहीं है, ये फॉरेन का कंपनी है। लिखा हुआ देखिए प्रीमियम इंजन ऑयल डिजाइन फॉर रॉयल एनफील्ड फोर स्ट्रोक मोटरसाइकिल। तो इसका कॉस्ट है 1396 रुपये, पहले से प्राइस इसका कम हुआ है। पहले इसका प्रिंटिंग था 1441, तो अभी 1396 हुआ है। तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख लीजिए एक बार स्क्रीन को पॉज किए हुए। ये फुली सिंथेटिक ऑयल है और सबसे अहम बात है इतने रीजनेबल प्राइस में ये आपको 3 लीटर का ऑयल दे रहा है क्वान्टिटी। ये कोई 2.5 लीटर का, 2 लीटर का, 1 लीटर का जार नहीं है, ये पूरा 3 लीटर का जार है फुली सिंथेटिक ऑयल। तो ये गया ऑयल का सेक्शन और इस साइड है आपका एलॉयस का सेक्शन। तो यहाँ पे सब एक टाइम में इस इनके डेमो में नहीं होता है एक टाइम पे, बट यहाँ पे सेम वही कैटलॉग है, बुक है, आप उसको उसमें आपका डिज़ाइन जो आपको पसंद हो आप उस पर चूज कर सकते हो, वही आपको ला देंगे। नॉन ABS वर्शन या ABS वर्शन आपको सभी टाइप्स के एलॉयज मिलेंगे। और हाँ, ये कंपनी का ओरिजिनल एलॉय नहीं है, ये कोई पैराडो है, कोई पोराडो है, कोई पजारो है, तो यहाँ पे जैसे है वैसे आपको मिलेंगे यहाँ पे, बट ये कंपनी का नहीं है। इनका कॉस्टिंग अराउंड 6500 का आएगा। मेरा वाला तो कंपनी का है, वो 15500 का है, वो अलग बात है। बट ये आपको, ये मेड इन इंडिया है, लोकली मेड। मैक्सिमम ये इसका मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली या गुड़गांव उस साइड में होता है। और आपको इसमें ABS भी टाइप के मिल जाएंगे, नॉन ABS के भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आप आ सकते हो इस शॉप पे, अच्छा भाव में देते हैं, तो एरिया के मुताबिक। तो बारसात एक रीजन में ऐसा शॉप ओपन हुआ, यही बड़ी बात है। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया, ये छोटा सा एक मॉडिफिकेशन शॉप, छोटा सा है अभी, मतलब दुकान में अभी नया माल मतलब 2-3 दिन में आने वाला है, तो ऐसा खाली नहीं दिखेगा, सब भर जाएंगे डिस्प्ले में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, इस शॉप का एड्रेस, नेम, फोन नंबर सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद हुआ तो आप यहाँ पे आइए, अपना बाइक को मॉडिफाई कीजिए, मतलब अपने मन पसंद का चीज लेगा, ये सब कुछ यहाँ पे मिलता है अवेलेबल। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करिए जिसको जो जानना है मुझसे प्राइस के बारे में, मैं आपको ये प्राइस उसके बाद आपको बता दूंगा कमेंट में किस चीज का कितना प्राइस है। तो तब तक वेट कीजिए नए वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं। ये भी किसी मजाक से कम नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा जोक बन चुका है। तो मैं ऐसे टाइप के मॉडिफिकेशन को लाइक नहीं करता, मतलब जो कंपनी ने बनाया है वही बेटर है। मतलब ये कैसा स्विंगम देख लीजिए एक बार, ये स्विंगम, ये एसी प्रोजेक्ट डुप्लीकेट, ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट एसी प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली थंडरबर्ड 50 है, उसी में मॉडिफिकेशन किया हुआ है।